Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 26th of December 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Veer Baldivas, and this topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian History Point of View. सो देखिए करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर यानी कि आज के दिन को डिक्लेयर किया है एज वीर बाल दिवस इन ऑर्डर टू मार्क द मटायर ऑफ़ श्री गुरु गोविंद सिंह सन तो क्या हुआ था 26 दिसंबर को इस डेट की सिग्निफिकेंस क्या है वो समझते हैं ऑन दिस डे इन सेवनटीन साहिब ज्यादा जोरावर सिंह एंड साहिब ज़्यादा फतेह सिंह वे सन ऑफ टेंथ सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह एग्जीक्यूटेड बाई द औरंगजेब सोल्जर्स तो औरंगजेब के ऑर्डर पे गुरु गोविंद सिंह के दोनों ही बेटे को एग्जीक्यूट किया गया था दे अटेंड मटायरड ऑन दिस डे एंड दैट इज़ वाई दिस डे इज़ कंसिडर टू हेवि सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बाई सिख कम्युनिटी और अब इस दिन को वीर बाल दिवस की तरह ऑब्जर्व किया जाएगा आज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट मेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुरु गोविंद सिंह के बारे में जरा समझ लेते हैं द टेंथ एंड लास्ट गुरु ऑफ सिक्स ही बिकेम सिख गुरु एट द एज ऑफ नाइन फॉलोइंगे ऑफ़ सफे फादर गुरु तेग बहादुर द नाइन्थ सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने के कई सारे कॉन्ट्रीब्यूशन हैं सिखिज्म को लेकर के उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है अबाउट द टर्बन टू कवर द हेयर इनफैक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइव के टू सिखिजम वॉज गिवेन बाय गुरु गोविंद सिंह हिमसेल्फ तो ही इज रेनॉउंड फॉर फाउंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ खालसा द फाइव के पाँच के केस यानी कि अनकट हेयर कंघा वुड एंड कॉम करा आयरन और स्टील ब्रेसलेट किरपान द डैगर एंड कचा द शॉर्ट ब्रीचेज कचेरा एंड गुरु गोविंद सिंह फॉट द बैटल ऑफ मुख्तसर इन सेवनटीन जीरो फाइव अगेंस्ट मुगल्स तो यह बैटल याद रखिएगा फिल्म में सीधा सीधा पूछा जा सकता है बैटल ऑफ मुखसर इनवॉल्व्ड विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन्वॉल्व इन बैटल ऑफ मुक्तसर ऐसा पहले पूछा जा चुका है यूपीएससी में गुरु गोविंद सिंह वॉज ऑल्सोल्ड बाई मुगल्स और वॉज किल्ड बाई मुगल असा इन सेवनटीन जीरो एट वन ईयर आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको यहाँ थोड़ा हिंट्स पढ़ना होगा इसके मदद से आप सिक्स हिस्ट्री के बारे में थोड़ा और समझ जाएंगे इतना डिटेल में सिख हिस्ट्री आपको तभी जानना है जब आप यू पी एस सी फिल्म्स अटैम्प्ट कर रहे हैं ए पी एस सी फिल्म के लिए आपको वीर बाल दिवस ही याद रखना है उससे ज़्यादा और ये पाँच के का जो कॉन्सेप्ट है गुरु गोविंद सिंह द्वारा इतना याद रखिए काफ़ी है लेकिन अगर आप यू पी एस से कर रहे हैं तो आपको ये फैक्ट्स भी याद रखने होंगे द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट तालिबान बैन ऑन विमेन एजुकेशन इन अफगानिस्तान एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आर सिलेबस जी एस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे राइटिंग में वेन देयर इज ए क्वेश्चन ऑन विमेन कंडीशन तो कभी इंटरनेशनल लेवल पर आप बात कर रहे हो तो ईरान के अंदर हिजाब इशू पर चर्चा कर सकते हैं वहाँ की मोरल पुलिसिंग पे वहाँ उसी कॉन्टेक्स्ट में आप इस पर भी चर्चा कर सकते हैं एथिक्स में भी आप इस पर चर्चा कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर तो देखते हैं करेंट कॉन्टेक्स्ट ये तो आप सबको पता है मैंने भी न्यूज़ पेपर अनालिसिस में बताया है कि पिछले साल 15 अगस्त 2021 को तालिबान केम टू पावर वंस अगेन इन अफगानिस्तान बाय रिप्लेसिंग इट्स सिविलियन गवर्नमेंट विच वाज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि यू एस फोसेज हुर सपोर्टिंग द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान फॉर अबाउट ट्वेंटी ईयर्स दे पुल्ड आउट और इसके बाद तालिबान के पावर को मैच नहीं कर पाए अफगानिस्तान के फोर्सेज एंड दिस इज़ हाउ तालिबान केम टू पावर तालिबान जब स्टार्टिंग में पावर में आया तो उसने पूरे दुनिया भर को प्रोमिसज़ किए कि इन इट्स सेकेंड टर्म इट विल बी वेरी डिफरेंट इट विल नॉट बी रेडिकल इट विल नॉट फोर्स फॉर सहरियत लॉ और इट विल नॉट गो फॉर अ कम्प्लीट ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक सिस्टम तो स्टार्टिंग में तो यही प्रोमिसज़ किए इसने और जिस तरीके का तालिबान का रूल था 1996 से लेकर के 2001 तक अफगानिस्तान में विच ऑज़ वेरी ऑर्थोडॉक्स एंड वेरी एट्रोसीट्रोसियस अगेंस्ट व्यूमेन राइट्स उसके ठीक विपरीत काम करने का प्रॉमिस किया तालिबान ने लेकिन धीरे धीरे तालिबान अब वैसे ही काम कर रहा है जैसे ये अपने पहले रिजीम में नाइनटीन से लेकर के टू में काम कर रहा था अभी रिसेंट इनिशिएटिव में इसने क्या अनाउंस किया कि विमेन एजुकेशन एट यूनिवर्सिटीज लेवल विल बी कम्प्लीटली बैंड इट ऑल्सो ब्रॉट डाउन ओल्ड सिस्टम्स लाइक पब्लिक फ्लॉगिंग यानी कि कोरे बरसाना फॉर एग्जीक्यूशन एंड ऑल तो इट इज़ नाउ रिटर्निंग टू इट्स ओल्ड सिस्टम ओल्ड ऑर्थोडॉक्सी एंड दिस इज हाउ द वर्ल्ड कंट्रीज आर नाउ कंसर्नड अबाउट द चेंज इन द अप्रोच ऑफ तालिबान एंड अगर इसी तरीके से ऑर्थोडॉक्स अप्रोच रहा तालिबान का तो जो लास्ट टाइम हुआ था इट विल डेवलप नेक्सस विथ अदर रेडिकल इस्लामिक टेरोरिस्ट ग्रुप्स पिछले बार भी क्या हुआ था तालिबान डेवलप नेक्सेस विथ अलकायदा हेडेड बाई ओसामा बिन लादेन एंड देन दीज टू ग्रुप्स कंकटेड टेरर अटैक ऑन यू एस एंड देट लेड टू नाइन अलेवन टू थाउजेंड वन अटैक ऑन द यू एस तो इस तरीके की फिर से आप देख रहे हैं एक आप चेंज दिख रहा है तालिबान के अंदर एंड इट इज़ शोइंग द सेम काइंड ऑफ ऑर्थोडॉक्सी ऑर्थोडॉक्सीच हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न जो लास्ट टाइम व्हेन तालिबान यू इन पावर इन 1996 टू 2001 दैट टाइम थ्री कंट्रीज सऊदी अरेबिया यूएई एंड पाकिस्तान हेड गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन टू तालिबान एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान बट दीज थ्री कंट्रीज ऑल्सो हैव नॉट अप्रूव्ड एंड हैव कंडेम्ड द बैन ऑन विमेन एजुकेशन एट हाइयर लेवल इन अफगानिस्तान बाई तालिबानी तो सऊदी अरबिया यू ए और पाकिस्तान जैसे देशों ने लास्ट टाइम तालिबान को रिकॉगनाइज़ किया था बट दे हैव नॉट डन दिस सो दिस टाइम एंड दे हैव कंडेम्ड तालिबान बैन ऑन विमेन एजुकेशन इंडिया का स्टैंड क्या रहा है तालिबान पर तो देखिए जैसे ही तालिबान केम टू पावर इन टू uh, 2021 ट्वेंटी वन ऑन फिफ्टींथ ऑगस्ट इंडिया क्लोज्ड इट्स एम्बेसीज एंड ऑल अदर डिप्लोमेटिक मिशन इन अफगानिस्तान मतलब आप सरल भाषा में कह सकते हैं कि इंडिया स्नैप्ड इट्स टाइज विद अफगानिस्तान दैट मोमेंट इट्स तालिबान में पावर के आते के साथ ही इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस रोक दिए थे बंद कर दिए थे बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया रियलाइज कि तालिबान इज़ गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तालिबान वॉज एबल टू कंसोलीडेट इट्स इन अफगानिस्तान सो धीरे धीरे फिर इंडिया ने अपने टाइस को री इस्टैब्लिश करना शुरू किया अदरवाइज़ इन द अर्ली फेज आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ हेड कंप्लीटली रिजेक्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस वे ऑफ रूल ऑफ़ तालिबान इन अफ़गानिस्तान जब उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान की सरकार जो होनी चाहिए वो अफ़ानिस्तान लोगों द्वारा चुनी होनी चाहिए और अफगानिस्तान के लोगों को रिप्रजेंट करना चाहिए इन ए डेमोक्रेटिक मैनर एंड यू ऑल नो के तालिबान इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज तालिबान बिलीव्स इन हार्ड कोर ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक रूल एंड इस्लामिज्म आर्थोडॉक्स इस्लामिज्म डज नाट अलाउ डेमोक्रेसी बिकॉज इट बिलीव कि मैं और ह्यूमन शुड नॉट लिव अंडर रूल्स मेड बाई ह्यूम दिस शुड लिव ओनली अंडर रूल्स मेड बाई गॉड और प्रोफिट तो इस तरीके से इंडिया ने तो स्टार्टिंग में पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप विथ तालिबान बट धीरे धीरे कंसिडरिंग द रियालिटी एट तालिबान इज़ गोइंग टू स्टेन पावर फॉर लॉन्ग इंडिया स्टार्ट्रक्चरड स्टाइज विथ तालिबान हमने फिर फिर अपनी एम्बेसी खोली काबुल के अंदर इन अफ़ग़ानिस्तान इंडिया ऑल्सो सेंट फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ रिलीफ असिस्टेंस टू अफ़गानिस्तान आफ्टर अर्थ क्वेक इन अफ़गानिस्तान इंडियन एम्बेसी बिकेम फिफ्टींथ मिशन टू ओपन इन काबुल आफ्टर कंट्रीज लाइक रसिया चाइना एंड यूरोपियन यूनियन तो धीरे धीरे इंडिया वॉज रीसेटिंग इट्स टाइज विथ तालिबान लेकिन तालिबान का इस तरीके का जो रवैया है इसके बाद इंडिया के लिए कठिन हो जाएगा अपने टाइज़ को वापस से डिपेंड करने में क्योंकि इंडिया हैज़ टू स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट्स स्पेशली व्यूमेन राइट्स एज वेल बट पहले जरा देख लेती कि आखिर इंडिया क्यों अपने जो स्टैंड है तालिबान को लेकर के उसको सॉफ्ट कर रहा था और इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सम इंटीग्रेशन और अंडरस्टैंडिंग विद तालिबान देखिए सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर एनी कंट्री और अगर तालिबान के साथ हमारे रिलेशन सही नहीं बनते हैं इफ़ यू हैव नॉट हॉब विद तालिबान देन द प्रॉब्लम माइट बी कि अफगानिस्तान सॉयल में अगेन बी यूज्ड फॉर कंडक्टिंग टेरर स्ट्राइक्स अगेंस्ट इंडिया एज़ इट वॉज डन डूरिंग नाइनटीन नाइन्टी सिक्स टू टू थाउजेंड वन हम ये नहीं चाहते दूसरा जब से तालिबान वॉज रिमूव आउट ऑफ पावर सिंस टू थाउजेंड वन तो दो हजार एक से लेकर के दो हजार इक्कीस तक में इंडिया ने कई सारे इन्वेस्टमेंट्स किए थे अफगानिस्तान में टू डेवलप क्लोज टाइज विद द सिविलियन और डेमोक्रेटिकली एलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान इन ऑर्डर टू डेवलप गुड पीपल टू पीपल टाइज विद द पीपल ऑफ़ अफगानिस्तान तो और उसका काफ़ी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी था कई दफ़ा मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की है उसका मेन एक गोल ये भी था टू हैव एक्सेसिबिलिटी टू आर्ट सेंट्रल एशिया बाई बाई पाकिस्तान तो अफगानिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन को देखते हुए अफगानिस्तान को कहा गया है हर्ट ऑफ एशिया और उसी उसकी स्ट्रैटेजिक जो लोकेशन है उसका ध्यान में रखते हुए इंडिया ने भी कई सारे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स या प्रोजेक्ट्स किए थे अफगानिस्तान के अंदर जैसे कि उनका पार्लियामेंट बिल्ड किया हमने दरानज दे देलाराम हाईवे वाज बिल्ड बाय इंडिया द डैम नोन एज इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम ऑल्सो नोन एज सालमा डैम वॉज बिल्ड बाई इंडिया सो वी हैव मेड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट देयर इन अफगानिस्तान एंड नाउ इफ यू कम्पलीटली पुल आउट ऑफ अफगानिस्तान एंड आवर टाइज आर कंप्लीटली स्नैप्ड अप विथ Taliban, then we will lose on all the investments that we have made in Afghanistan. These investments will count for nothing. So to maintain people of to people ties and to maintain our economic interest and security interest, India is looking forward to have some coordination with the Taliban regime itself. But India has to be cautious now, Kyuki on one side India has to stand for women rights, which is being

किसी भी इकोसिस्टम के अंदर की स्टोन स्पीसीज वो होता है जो उस पूरे इकोसिस्टम को बांध करके रखता है अपने साथ मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीसीज यू कैन से कि सच स्पेसीज इज़ लाइक ग्लू टू दैट इंटायर इको एंड कीप्स द इको सिस्टम इंटैक्ट कोई जरूरी नहीं है कि यह की स्टोन स्पेसीज सबसे बड़ा स्पीसीज हो कोई जरूरी नहीं है लेकिन हाँ उसकी सिग्निफिकेंस सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए इट प्लेज ए पाइवेटल रोल इन मैनेजिंग द मैनेजिंग द इंटायर इकोसिस्टम फॉर एग्जाम्पल द एलीफेंट्स इन सवाना ग्रास लैंड्स दे आर की स्टोन स्पेसीज ऑफ सवाना ग्रास लैंड वाई बिकॉज दे कीप द पॉपुलेशन ऑफ द ट्रीज इन सवाना ग्रास लैंड एरिया अंडर चेक ये इस तरह के ट्रीज को उखाड़ देते हैं उनको खा जाते हैं तो ट्रीज़ की पॉपुलेशन को चेक रखने से फिर वहाँ के ग्रासेस जो हैं उन पर कोई निगेटिव असर नहीं पड़ता एंड दिस इज हाउ दीज ग्रासेस थ्राइव एंड अलाउ ग्रेजिंग फॉर अदर एनीमल्स तो इस तरीके से आप मान सकते हैं कि एलिफेंट्स आर की स्टोन स्पीसीज ऑफ सवाना इकोसिस्टम उसी तरीके से पोलर बियर्स आर की स्टोन स्पीसीज ऑफ आर्टिक रीजन दे मैंटेन बैलेंस इन द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन आर्कटिक रीजन सो दे किल बिग एनिमल्स लाइक सील्स सो ये सील्स को खाते हैं मेनली और उनको खाने के बाद सम ऑफ लेफ़्ट ओवर पार्ट हेल्प्स इन सर्वाइविंग ऑफ द अदर एनिमल्स लाइक आर्कटिक फॉक्सेज एंड आर्कटिक बर्ड्स हु एक्ट लाइक स्कैवेंजर्स तो स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो बच्चे खुचे खाने को खाते हैं तो इस तरीके से फॉक्सेज और आर्कटिक बर्ड्स भी सर्वाइव करते हैं क्योंकि पोलर बियर जब सील्स को मारता है तो थोड़ा बहुत लेफ्ट ओवर पार्ट इनके लिए भी रह जाता है आर्टिक फॉक्सेजन आर्कटिक बर्ड्स के लिए भी रह जाता है लेकिन अगर पोलर बियर की पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होगी और इफ़ पोलर बियर्स आर नॉट एबल टू हंट हौन, सील्स देन इंटायर फूड चेन में डिक्लाइन और यही हो रहा है हाल फिलहाल में क्यों हो रहा है वो भी जरा समझेंगे बट पोलर बियर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग और इस कारण से सील्स की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है आर्कटिक फॉक्सेज और बर्ड्स को सील्स खाने को मिल नहीं रहे सो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ रहा है देखेंगे क्यों कैसे और कहां इसका मेन आंसर राइटिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है वो भी जरा देखेंगे पीटी पर्सपेक्टिव से ये फैक्ट देख लीजिए कि पोलर बियर इज क्लासिफाइड एज वलरेबल ऑन आई रेड डेटा लिस्ट तो करंट कॉन्टेक्ट समझते हैं ये देखिए ये जो कनाडा का ये वाला पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं हर्डसन बे रीजन यहां पे एक लोकेशन है चर्चिल चर्चिल इज़ नोन एज द पोलर बियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे इतने सारे पोलर बियर मिलते हैं वेस्टर्न हर्टसन बे में चर्चिल रीजन ऑफ कनाडा लेकिन ये पूरा का पूरा जो हर्टसन बे है जहाँ का मेन लोकेशन चर्चिल नोन एज पोलर बियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इस पूरे रीजन में जो पोलर बियर्स के लिए जाना जाता था अब पोलर बियर्स की पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है रिसेंट सर्वे के हिसाब से वहाँ पे पोलर बियर की पॉपुलेशन सिर्फ 618 थी 2016 में सर्वे में पाया गया था कि देरभर वर 842 पोलर बियर्स वो घट करके 618 हो गई है इससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि पिछले 40 सालों में पोलर बियर की पॉपुलेशन वहाँ 50 परसेंट तक कम हो गई है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है यंग पोलर बियर्स एंड फीमेल पोलर बियर्स की इसका मतलब कि फ्यूचर में पॉपुलेशन को री जेनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होने वाली है तो आखिर पॉपुलेशन गिर क्यों रहा है वाई ड्रॉप इन पॉपुलेशन उसके पीछे कारण है ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो क्या रहा है कि जो गर्मी का टाइम है आर्कटिक रीजन में वो बढ़ गया है और गर्मी का टाइम एक्सटेंड होने से लंबे समय तक जो वहाँ की बर्फ है वो पिघली रहती हैं और इस कारण से जो पोलर बियर हैं वो लंबे समय तक शिकार नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सर्दियों के टाइम में जब ये एरिया फ्रोजन अप हो जाता है तब ये आराम से एक जगह से दूसरे जगह मूव करके वो अपनी हंटिंग का काम कर सकते हैं बेसिकली दे हंट सील्स तो जब गर्मी का टाइम रहता है तो बर्फ तो पिघले रहते हैं तो उस केस में ये लोग किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हाइबरनेशन में चले जाते हैं छुप करके रहते हैं लंबे समय तक सर्दियों के टाइम में ये मेनली हंटिंग करते हैं मेटिंग करते हैं क्यों क्योंकि उस टाइम में फिर ये पूरा एरिया फ्रोज़न अप हो जाता है लेकिन बिकॉज ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज द समर पीरियड इज गेटिंग एक्सटेंडेड अप एंड दैट इज हाउ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन एन ईयर दिज पोलर बियर्स आर नॉट एबल टू हंट एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉट गेटिंग फूड दे आर नॉट एबल टू हंट द सील्स नॉट गेटिंग फूड और जब सील्स हंटंग सील्स की हंटिंग नहीं हो रही है तो दैट इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द पॉपुलेशन ऑफ आर्टिक फॉक्सेज आर्टिक बर्ड्स एंड वॉल रूसेज वाई बिकॉज पोलर बियर्स जो लेफ्ट ओवर पार्ट सील्स का छोड़ देते थे दैट वॉज हेल्पिंग इन सर्वाइवल ऑफ दिज आर्टिक फॉक्स एंड वॉल्ड रूसेज प्लस जब सील्स नहीं मिल रहे हैं तो दीज पोलर बियर्स आर अटैकिंग दिज आर्टिक फॉक्स एंड वॉल्ड रूसेज तो अब इससे हो क्या रहा है कि पूरा का पूरा जो फूड चेन है उस आर्कटिक रीजन का वो ब्रेकअप हो रहा है एक तरफ पोलर बियर की पॉपुलेशन गिरती जा रही है जो उस एरिया का की स्टोर स्पेसीज है दूसरी तरफ सील्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है सील्स की पॉपुलेशन बढ़ने से होगा क्या कि आर्कटिक रीजन में कनाडा और आसपास के जो नर्दर्न रीजन है वहाँ पे फिश के पॉपुलेशन गिरेंगी क्योंकि सील्स ज़्यादातर फिशेस खाते हैं और फिशेज की पॉपुलेशन गिरने से फिर लोकल पॉपुलेशन को खाने के जो रिसोर्सेज उसमें कमी आ रही है बिकॉज लोकल पॉपुलेशन मेनली सर्वाइवस ऑन फिशेज तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा चेन ऑफ रिएक्शन है हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग इसको आप एक के स्टडी की तरफ प्रेजेंट कर सकते हैं वाइल राइटिंग एन आंसर ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है देखिए सीधा सीधा ये सवाल कभी आएगा नहीं मेन्स में लेकिन क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ऑन एन ईको सिस्टम कभी मान लीजिए आप लिख रहे हो तो एक बॉक्स बना करके अगर आपने इसको साइकिल या एरो दे दे करके अगर प्रूफ कर दिया कि हाउ क्लाइमेट चेंज इज इंपैक्टिंग द इंटायर फूड साइकिल एंड डिस्ट्रॉइंग द इंटायर इको सिस्टम अल्टीमेटली इंपैक्टिंग द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन एज वेल देन इट विल मेक योर आंसर इंप्रेसिव इस टॉपिक बेसिस पे फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज प्लीजेम दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्ट इज़ अबाउट नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आसाम साहित्य सभा दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर सिलेबस जी एस पेपर फाइव आसाम इस पॉइंट ऑफ व्यू आसाम साहित्य सभा के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इट वॉज फाउंडेड इन नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटीन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम है असामीज लिटरेचर और कल्चर को प्रमोट करना हेड ऑफिस ऑफ आसाम साहित्य सभा इज़ इन जोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इसके आज के टाइम में हज़ार से भी ज़्यादा इसके ब्रांचेज हैं इंडिया के बाहर भी हैं

सिंस नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स आसाम साहित्य सभा हैज बिन ऑल्सो पब्लिशिंग ए क्वार्टरली रिसर्च जर्नल तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हो हर दो साल पर आसाम साहित्य सभा की सेशन होती है तो इस साल दो हजार तेईस में आने वाला जो साल है उसमें आसाम साहित्य सभा का सेशन होगा एट नारायणपुर द सेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी थर्टी वन टू फेबर फोर्थ और इस बार आसाम साहित्य सभा के नए प्रेसिडेंट होंगे डॉक्टर सूर्यकांत हजारी तो ये नाम याद रखिएगा फ्रॉम प्रिलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक बेसिस पे प्रोलिम्प प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज ट्रिम दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आसाम सेकेंड जू तो मैंने आपको बताया था कि हमारे स्टेट आसाम में चल रहा है एक इनिशिएटिव जिसको नाम दिया गया फोर्थ नाइट फॉर डेवलपमेंट जिसमें कई सारे इनिशिएटिव्स अनाउंस किए जा रहे हैं फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट उसी में हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व शर्मा साहब ने अनाउंस किया है कि आसाम का सेकेंड जू बनाया जाएगा आट तिंग इन डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट प्रेम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एपीएससी पी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रखिएगा कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से द एक्ट प्रोवाइड्स कवरेज अप टू सेवेंटी फाइव परसेंट इन रूरल एरिया एंड फिफ्टी परसेंट इन अर्बन एरिया एब्सोल्युटली राइट द एग्जिस्टिंग अंतोदया Household which constitute poorest of the poor will continue to get thirty five per thirty five kilogram of food grain that is also right so both statements are correct. Griha rating it is rating tool that helps people to uh, assess performance of their building that is right. It has not been uh, developed by Terry and Ministry of Environment so correct correct answer will be option A. That's all from our side for today thanks for watching.